वंदे मातरम। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रोथ में कि आखिर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, निर्धारक घटक हैं या तत्व हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं और आखिर वही क्यों करते हैं। ठीक है, तो सर इस बारे में अगर हम चलें तो हम ये देखेंगे पूंजी संचय सबसे पहले हमने लिखा है, तो पूंजी संचय का मतलब क्या है। जैसे हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि हमें क्या होना चाहिए, नेशनल इनकम का बढ़ना या PCI का बढ़ना क्या है, आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, जिसमें मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है ना क्वांटिटेटिव क्वांटिटी रूप में। जैसे मान लीजिए कि नेशनल इनकम बढ़ रहा है, PCI बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी रूप में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो पूंजी संचय क्यों जरूरी है आर्थिक समृद्धि के लिए, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए? क्योंकि जब पूंजी संचय होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या आप समझते हैं ना, किस ने जो दिया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उस रूप में वो काम करता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा और वो आर्थिक विकास करेगा, क्योंकि हमने देखा है इसके पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा। चलिए अब सेकेंड में हम देखेंगे कि पूंजी संचय के बाद क्या है, वो है दूसरा रिसोर्सेज, संसाधन। संसाधन, संसाधन क्यों, मतलब रिसोर्सेज आखिर संसाधन के, इसमें बहुत सारे संसाधन आते हैं, मानव संसाधन है, उसके अलावा प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसके अलावा क्या है, ऑयल है, जैसे मान लीजिए जो फ्यूल ऑयल है ना वो भी है, उसके अलावा बहुत सारे क्रूड ऑयल है, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि जब ये नहीं रहेंगे ना, ये संसाधन नहीं रहेंगे, एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप फैक्ट्री में यूज कहाँ करेंगे, मानव भी तो एक संसाधन है, मानव नहीं रहेगा तो आप उसका यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का कैसे करेंगे, बिना उसके यूज के इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकता है, बिना मानव के आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, बिना भूमि के आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, बिना इंटरप्रेन्योर के आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते। ये सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर आप मान लीजिए प्रकृति नहीं है तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो ग्रोथ कहाँ से होगा, रॉ मटेरियल नहीं बनेगा, नहीं होगा तो आप उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, फैक्ट्रियां नहीं लग पाएंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। जब रॉ मटेरियल रहता है तभी फैक्ट्रियां लगती हैं, जैसे मान लीजिए माइंस इत्यादि हो गए, जैसे लोहा बनता है, इस्पात उद्योग आपने देखा होगा, लौह एवं इस्पात उद्योग, ये कहाँ से बनता है, ये सब प्राकृतिक संसाधन से ही तो बनते हैं, और यही बिल्ड होने के बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो क्या हमें मिलता है, हमें इनकम मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है, और हमारी जैसे ही विदेशी मुद्रा मिलती है हम सशक्तिकरण की तरफ जाते हैं और यहीं से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इंटरनल ट्रेड में भी इस प्रकार से होता है, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, तो संसाधन। उसके अलावा तीसरा जो फैक्टर वेरी करता है, तीसरा वो है जनसंख्या। जनसंख्या क्यों, जनसंख्या ये है, कई लोगों का मानना है कि जनसंख्या नहीं रहेगा तो लेबर सप्लाई नहीं हो पाएगा। जनसंख्या ही तो देश देश के क्या ड्राइव करता है, जनसंख्या ही से सब कुछ होता है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या ही भोगा है, भोगता भी है और फिर आप उसमें क्या करता है, उसका माध्यम भी है, किसी भी चीज़ के भोगता भी है, हाउस होल्ड सेक्टर जिसे हम हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं, भोगता भी है और उसमें उसको उत्पादन की क्रिया में भी अपना हाथ बटाता है। ठीक है, जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जैसे मान लीजिए जो क्लासिकल हैं, वो क्लासिकल में सबसे पहले जैसे मान लीजिए स्मिथ है, तो क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं इसको, नेगेटिव की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेंगी क्या होगा, डिप्रिसिएट होगा जो देश होता है, चूंकि उन्होंने क्वांटिटेटिव माना है ना, इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि क्या होगा, जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी वो क्या होगा, ऋणात्मक प्रभाव देता है, आर्थिक आय में अवरोध उत्पन्न करता है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए न्यू क्लासिकल हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसमें से सोलो मॉडल इत्यादि अगर हम देखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इन्होंने पॉजिटिव माना है, उसमें इन्होंने कहा है कि नहीं, हर जगह पर नेगेटिव नहीं है, और उसका कुशलता से प्रयोग करें तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई सिद्धांत, विलियम ब्लैक का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, जनसंख्या के सिद्धांत, खैर उसमें हम नहीं जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तकनीकी का क्या रोल है, तकनीकी का रोल क्या है, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज कि अगर मान लीजिए तकनीकी नहीं रहेगा, तकनीक क्या देती है, कुशलता देती है, वी कैन गेट इफिशियंसी फ्रॉम टेक्नोलॉजी। देखिए जैसे मान लीजिए कि अमेरिका है जो सुपर पावर है, किसकी वजह से आपने देखा होगा, किसकी वजह से है, उसके पास बढ़िया बढ़िया हथियार हैं, उसके पास सारी चीज़ें पहले हो गई, वो जीता क्यों, टेक्नोलॉजी की वजह से, उसके पास परमाणु हथियार था, अकेले उसने हमला करके रसिया को, आपने देखो अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे रसिया को बुला लिया था,
उस पे हमला करने के लिए। रसिया तो पहले दोनों अमेरिका और रसिया एक साथ थे, लेकिन जैसे इन्होंने बम गिराया वहां से बात शुरू हो गई, क्योंकि उसने जो अमेरिका था उसने वहां के सैनिकों को ही बुला लिया था, तो क्या होगा वहां पे क्लैश हो गया और फिर कोल्ड वार शुरू हो गया। तो यह इम्पोर्टेंट किसकी है कि अमेरिका के लिए जीत कैसे गया, टेक्नोलॉजी की वजह से। उसने दो आपने जान आप जानते होंगे परमाणु बम गिराया था वहां पे हिरोशिमा नागासाकी पे। किससे जीता वो? टेक्नोलॉजी की वजह से। आज सारी चीजें वो क्या करते हैं, एफिशिएंट उसकी मशीन है, कंप्यूटर सबसे पहले आ गया था उसके पास, सारी चीजें उस टेक्नोलॉजी उसके पास सबसे बेहतर है, इसीलिए वो क्या है बॉस है, या मतलब नेता है एक तरीके से। रसिया भी है, लेकिन रसिया उतना खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी उसके पास इतना एफिशिएंट नहीं है, हालांकि नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। अब इसके अलावा हम अगर देखेंगे तो विदेशी व्यापार, इसके अलावा हम पांचवें नंबर पे देख लेते हैं, ठीक है, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फॉरेन ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे इकोनॉमिक फॉरेन ट्रेड होगा तो हमें क्या होगा, आयात निर्यात करेंगे, जैसे निर्यात करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिससे हमारा इकोनॉमी क्या होगा, बढ़िया वैल्यूएबल चलेगा, बहुत ही बढ़िया से ग्रो करेगा। उसके अलावा बहुत एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है संरचनात्मक परिवर्तन, एक स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है। ये देखिए अब इसकी बात तो बहुत ही भव्य है, बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने कहा था बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कहा था किसने, कि आप क्या करिए कि आप सप्लाई बढ़ा दीजिए, लेकिन सप्लाई बढ़ा दीजिए अपने आप क्या होगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि सप्लाई हो तो सप्लाई ही नहीं होगी तो कहाँ से बढ़ाएंगे। इसीलिए जब मतलब जो सप्लाई किसको स्ट्रक्चरल बताता है ना, वो संरचनात्मक परिवर्तन को, स्ट्रक्चरल चेंजेस को बताता है। तो जैसे अगर सप्लाई रहेगी, किसकी सप्लाई, देखिए किसकी, उद्योग की, उद्योग बढ़िया रहेगा और बहुत सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी, इसमें सड़क बढ़िया रहेगा, उद्योग बढ़िया रहेगा, तो इसमें क्या हो रहा है, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और इससे रोजगार मिलेगा तो राष्ट्र का समृद्धि बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। इसीलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस ये बात आएगी, अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते होंगे तो पढ़ेंगे तो आप इसमें आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस का कितना इंपॉर्टेंट है, संरचनात्मक बेरोजगारी कितना खतरनाक होती है, उसी से रिलेटेड है ये। तो फिर इसके बारे में हम चर्चा धीरे धीरे सारी चीज़ों पे करेंगे। आप पेशेंस रखिएगा, फॉलो करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।